कश्मीर में हिंदू जेनोसाइड से पहले कोलकाता में यानी उस समय के कलकत्ता में और नोआखाली जो आज बांग्लादेश में है वहां हुए थे हिंदुओं के सबसे बड़े जेनोसाइड्स, जिनके बारे में आज बात कम करी जाती है। वो 1946 में आजादी से ठीक एक साल पहले हुए थे, 16 अगस्त 1946 को, और उसकी कॉल दी थी खुद मोहम्मद अली जिन्ना ने। कोलकाता में उन्होंने काफी बड़ा जमावड़ा इकट्ठा किया था अपने लीडर्स का, और उन्होंने एक साथ कोलकाता में कहर बरसाया कहा जाता है, जिसमें करीब 5000 लोग मारे गए थे। लेकिन उनके लेफ्ट हैंड माने जाने वाले हुसैन सोहरावर्दी ने ईस्ट बंगाल में यानी आज के बांग्लादेश में उससे भी बड़ा कहर मचाया था। नोआखाली डिस्ट्रिक्ट जो पूरी तरह से मुस्लिम एरिया से घिरा हुआ था, वहां पर कहा जाता है करीब 5000 लोग मारे गए, 50000 लोगों का धर्म परिवर्तन किया गया, और कहा जाता है कि हिंदू बुद्धिस्ट और सिख माइनॉरिटी की इतनी बुरी हालत कर दी गई थी कि खुद महात्मा गांधी को वहां पर आके कुछ समय बिताना पड़ा था और चेक करना पड़ा था। जिन्ना और मुस्लिम लीग ने जो दो महा राइड्स कराए थे 1946 में कोलकाता में और नोआखाली में, जहां 5000 से 10000 हिंदू बुद्धिस्ट और सिखों को मारा गया और 50000 से लोगों को कन्वर्ट किया गया। उसके बाद बंगाल को पार्टीशन करने की बातचीत हुई, वेस्ट बंगाल असेंबली में जब वोटिंग रह गई तो 120 लोगों ने कहा पार्टीशन करना चाहिए, 90 ने कहा नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके बाद सिर्फ ईस्ट बंगाल के जहां मुस्लिम मेजोरिटी थी वहां के लोगों ने एक और वोटिंग कराई, उन्होंने कहा कि पार्टीशन नहीं होना चाहिए और सारा का सारा पाकिस्तान को दे देना चाहिए बंगाल को, चाहे वो वेस्ट हो या ईस्ट बंगाल हो। 106 लोगों ने कहा कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए, केवल 35 लोग वहां पर ऐसे थे जिन्होंने कहा कि नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर वेस्ट बंगाल के ही कुछ लेजिस्लेचर्स ने फिर से वोटिंग कराई अपने हक को मांगने के लिए, और जहां पर 58-21 की मेजोरिटी से उन्होंने कहा कि हाँ इसको पार्टीशन करना चाहिए नहीं तो और खून बहेगा। और उसके बाद ऐसा ही हुआ, बंगाल को आखिर पार्टीशन किया गया, और उसके प्रेशर से माउंटबेटन और ब्रिटेन को झुकना पड़ा और अल्टीमेटली बंगाल को भी भारत के साथ पार्टीशन किया गया। 1947 में इंडिया के साथ जो बंगाल का पार्टीशन हुआ वह इतनी बड़ी मिस्टेक हुई है, यूं कहिए इतना बड़ा ब्लंडर हुआ जिससे आज भी भारत और बांग्लादेश के लोग सफर कर रहे हैं, खासकर बुद्धिस्ट और हिंदू मेजोरिटी जो वहां पर माइनॉरिटी है, बंगाल के मुर्शिदाबाद मालडा जैसे एरिया और असम के करीमगंज एरिया जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया, उनको भारत में डाल दिया गया। और ईस्ट बांग्लादेश का मौलवीगंज एरिया जो हिंदू मेजोरिटी था, चित्तागोंग हिल ट्रैक जिसके ऊपर हमने ये एपिसोड भी बनाया जो बहुत आपने अच्छा रिस्पांस दिया, वहाँ 97% नॉन मुस्लिम्स थे, तब भी उसको बांग्लादेश में दे दिया गया। और खुलना डिस्ट्रिक्ट जो हिंदू मेजोरिटी उसको भी बांग्लादेश में दे दिया गया। इन्हीं सब प्रॉब्लम्स की वजह से आज भी बांग्लादेश में ये जो एरियाज हैं वहां जो लोग हैं वो सफर कर रहे हैं और अभी तक वो उससे उभर नहीं पाए।